सियासी घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट, कांग्रेस में रहेंगे या बनाएंगे नई पार्टी, आज होगा फैसला। उड़ीसा के पुरी में झामुई यात्रा में पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, जलते हुए कोयले पर लगाई दौड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 लोगों की हुई मौत, पूरा इलाका हुआ सील। IMF के शीर्ष अधिकारी का बयान, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन को दे रहा कड़ी टक्कर। भारत में फिर डरा रहा कोरोना, 7,830 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 7 महीनों में बढ़कर 40,000 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद का बयान, सरकार औरतों और बच्चों को परेशान नहीं करे, अतीक अहमद की तरफ से कहा गया है, मिट्टी में मिल गए और क्या करें। अतीक अहमद ने यह भी कहा है कि हमने कोई खून नहीं किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। इसी के बीच अतीक अहमद ने मीडिया के सामने तमाम सवाल उन्होंने दिए हैं, उन्होंने बयान भी दिया है और कहा है कि सरकार औरतों और बच्चों को परेशान नहीं करे, मिट्टी में मिल गए हैं अब और क्या करेंगे, हमने कोई खून नहीं किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इरफान मेरे साथ ऑनलाइन पर प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। इरफान, अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, अभी तक का क्या खास अपडेट? जी बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक को लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साबरमती सेंट्रल जेल से पुलिस जो है कल से ही लेकर से रवाना हो गई थी, आज 2 बजे तक कोर्ट में पेशी भी होनी है। तो इसको लेकर जो है पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं, 4 चौवन की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी पंकज आपको ये दे दूं कि अतीक अहमद के चेहरे पे जो खौफ है वो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि अब जो है वो गुनाहों से तौबा कर रहा है और उसका साफ तौर पर कहना है कि उसकी इसमें उमेश पाल हत्याकांड में उसका और उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हालांकि उसका ये भी कहना है कि पुलिस जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो चुकी है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो पुलिस कोर्ट में लेके उसको पेश कराने आ रही है? तो कहीं ना कहीं अतीक को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है उसका एनकाउंटर न कर दे। इसके डर की वजह से कहीं ना कहीं अतीक का जो है वो बयानबाजी से साफ तौर पर आप देख सकती है कि जो आम जनमानस जो प्रतिक्रिया आ रही है उनका भी कहीं ना कहीं जो आम जनमानस जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो कहीं ना कहीं उनकी निगाह इस पर टिकी हुई है कि अतीक की गाड़ी कहीं पलट ना जाए। हालांकि जो अतीक का लोकेशन है इस वक्त वो बांदा जो है बांदा जिला जो है क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि जो वहां की फोर्स है, जो वहां की टीम है पुलिस की, वो लगातार काम कर रही है, जगह जगह पे चौकन्ना कर दिया गया सबको और जगह जगह फुक्त का इंतजाम भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है पंकज की, आखिर प्रयागराज में अतीक की मुश्किल, क्योंकि प्रयागराज में एक दौर था, एक जमाना था कि अतीक अहमद की माफिया जो डॉन अतीक अहमद है उसकी तूती बोलती थी। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में ही आज अपने ही एरिया में अतीक नजर बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अतीक की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं अतीक के चेहरे बिल्कुल। लेकिन इरफान, इस दौरान देखा जाए प्रयागराज में जिस तरीके से दहशत थी अतीक अहमद को लेकर, अब परिवार भी डरा हुआ है। बीते दिन की बात करें तो आयशा ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी सरेंडर करने की, अब ऐसा लगता है कि पूरा परिवार इसके शिकंजे में है, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से डर बना हुआ है। जी बिल्कुल पंकज आपने बिल्कुल सही कहा, शायद यही वजह है कि मीडिया के सामने जो है अतीक अहमद गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि इस केस में जो है, हालांकि इससे पहले भी अतीक अहमद की पेशी हो चुकी है और जो है राजू पाल हत्याकांड में, राज्यपाल अपहरण मामले में अतीक जो है कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि अब जो है पेश किया जा रहा है तो उमेश पाल हत्याकांड में
मुख्य जो है आरोपी माना जा रहा है अतीक और उसका परिवार, तो कहीं ना कहीं अतीक के परिवार की और अतीक की मुश्किलें अब जो है बढ़ गई हैं। हालांकि सदन में आपने देखा था कि जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं माफियाओं की जो है उल्टी गिनती जारी हो गई है। कहीं ना कहीं अतीक और अतीक के परिवार की मुश्किलें अब बढ़ गई है। साइस्ता परवीन के ऊपर 25,000 का इनाम था, हालांकि जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बाद से उन पर आरोप लगा कि कहीं ना कहीं इरफान, अगर देखा जाए तो साफ तौर पर अतीक हो या अतीक का परिवार हो, पूरी तरीके से इस समय उनके अंदर दहशत व्याप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपनी ही सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कल दिन भर के अनशन पर रहे। पायलट का अनशन ऐसे वक्त पर हुआ जब कांग्रेस की राज्य इकाई ने पहले ही इसे पार्टी के हितों के खिलाफ बताया था। इतना ही नहीं, हाईकमान ने भी इसके खिलाफ अपना कड़ा संदेश पहुंचा दिया था कि पायलट को अशोक गहलोत के साथ मुद्दों को आंतरिक रूप से हल करना चाहिए। लेकिन इस अनशन के बाद एक सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या सचिन पायलट नई राह पकड़ने वाले हैं। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और उसी के साथ में वरिष्ठ नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में अगर बात करें कांग्रेस की, तो घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट ने बीते दिन अनशन भी किया था, और आपको यह भी जानकारी दे दें कि ये जो अनशन किया गया था उससे पहले सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसको लेकर चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसी को लेकर अब एक बार फिर से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ में और इस दौरान अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अगर बात राजनीति की करें तो इसको लेकर कांग्रेस कहती है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ ये अनशन किया गया, लेकिन अगर बात की जाए इस दौरान राजनीतिक पार्टियों की, तो तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि पूरे तरीके से कांग्रेस टूट चुकी है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब पार्टी से धीरे धीरे निकल रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट अगर नहीं मानते हैं तो क्या वो अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे, क्योंकि कई हमने कांग्रेस के नेताओं को देखा है जिसमें से गुलाम नबी आजाद भी थे जिन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई। तो क्या अब इसी राह पर सचिन पायलट भी आगे बढ़ेंगे? अगर सचिन पायलट इसमें आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में जिस तरीके से अगले 6 या 7 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर एक बड़ी सुगबुगाहट होती नजर आ रही है। अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होते हैं तो कांग्रेस के लिए फिर से सरकार बनाना राजस्थान में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में इस समय पर कांग्रेस का दबदबा है तो इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी और बीजेपी से नेता चंद्रभूषण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मैं कांग्रेस के पास ही चलूंगी। आदित्य जी, जिस तरीके से कल अनशन हुआ, आज दिल्ली का रुख कर लिया है सचिन पायलट ने, क्या लगता है क्या सुलह हो सकती है? देखिए, जिस तरह से अनशन पर बैठे, पार्टी ने मना भी किया था सचिन पायलट जी को अनशन देने से, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं चाहे वो वसुंधरा राजे जी पर हो कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए अलग से एक कमेटी राजस्थान सरकार ने गठन किया है जो जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए और उस सब कार्रवाई को देख रहा है। लगातार जिस तरह से सचिन पायलट जी आज दिल्ली तलब हुए हैं, उनको बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की मंशा है कि उनकी बात को सुना जाए और अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में एक सामंजस्य बैठा कर काम किया जाए, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, और राजस्थान एक अहम स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि फिर से बुरी तरह हारने जा रही है। तो ये कांग्रेस कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे पार्टी को नुकसान हो, और आपस में नेताओं को सामंजस्य बैठाकर हम वापस पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन आदित्य जी, सवाल तो यही खड़ा होता है कि कांग्रेस में जिस तरीके से देखा जाए अनशन किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में अब जो पार्टी है वो धीरे धीरे अब बिखरती जा रही है, कहीं इसका फायदा बीजेपी ना उठा ले? देखिए, जहां 10 लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं मनभेद हो जाता है, तो ये गहलोत जी और
सचिन पायलट जी के बीच में जो भी दरारें आई हैं, ये जो भी चीज को लेकर है उसको समझा के सुलह करवा के काम आगे बढ़ेगा और राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि सरकार रहेगी तो ही काम हो सकता है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं सचिन पायलट की सरकार, त्रिपाठी जी, अगर नहीं मानते हैं सचिन पायलट तो क्या करेंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, अगर अनुशासनहीनता वो करे तो अनुशासनहीनतात्मक कार्रवाई होगी और पार्टी आगे, हम सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अशोक गहलोत के चुनाव पे चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर हमने जनता के लिए काम किया है, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जनता के लिए काम किया, उन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अहम सचिन पायलट और अशोक गहलोत ये दोनों नहीं है, हमारे लिए, हमने जनता के लिए काम किया और उन मुद्दों को लेकर विकास जिस तरह से राजस्थान सरकार ने वहां पे किया है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, अब वो पहला स्टेट ऐसा बना राजस्थान जहां पर जनता का इलाज मुफ्त में होगा, तो ऐसे तमाम काम अशोक गहलोत जी के, चाहे वो इंदिरा रसोई हो, तो ये सब काम योजनाएं को तो ठीक है, योजनाएं तो ठीक है त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो दोनों पार्टी की अगर बात करूं, दोनों ही नेताओं की अगर बात करूं, कहीं ना कहीं जो घर का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी से हमारे साथ में चंद्रभूषण जी जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, धीरे धीरे नेता निकल रहे हैं, धीरे धीरे दूसरी पार्टियों खास करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको इस बार की राजनीति राजस्थान में क्या कुछ कहती है? देखिए, राजस्थान ने कांग्रेस को एक मौका दिया कि वो कुछ अच्छे कार्य करते, अपनी अच्छी बातें करते, अच्छी योजनाओं को लागू करते, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी पूरे 5 वर्ष बीत गए, अब चुनाव में सरकार जा रही है तो आपसी विवाद चालू हो गया है। ठीक है, अब जब उनका ही उप मुख्यमंत्री, आप देखिए किस तरह से असंतुष्ट है अपने ही मुख्यमंत्री से। आपने विधानसभा में देखा कि किस तरह मुख्यमंत्री एक पूरे प्रदेश का बजट देने जा रहा हो, उसको यही नहीं पता कि मैं कौन सा बजट पढ़ रहा हूं। तो अशोक गहलोत पूरी तरह राजस्थान में फेल हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देखिए। ठीक है, अशोक गहलोत केवल कृपा पात्र मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं राजस्थान में, और आने वाले दिनों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है कि प्रसार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई ने पूरे प्रदेश के चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, आपने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की पार्टी बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार इस दौरान बनेगी, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्या इस बार का चुनाव, अगर बात करी जाए चुनाव की, तो क्या वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस बार पार्टी आगे बढ़ेगी, या फिर एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और योजनाओं को लेकर जिस प्रकार से हमारी दूसरी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, वो पूरे हर जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां भी हमारी सरकारें हैं वहां एक अच्छी योजनाएं लागू हो रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 75 योजनाएं अमृतकाल की गिनवाई थी, किस प्रकार से धरातल पर उतरी हुई और कैसे काम कर रहे हैं। इस सरकार को एक मौका मिला था कि सचिन, लेकिन सरकार तो आपस में लड़ाई कर रही थी कुछ पूरे 5 वर्ष, और जब चुनाव जाने की तरफ आया है तो भी लड़ाई ही कर रही है, तो जनता तो जान गई है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना इनका मुख्यमंत्री काबिल है, ना उप मुख्यमंत्री काबिल है, आए दिन वही झगड़े होते रहते हैं। तो सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि आने वाले दिनों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर, यानी कि चंद्रभूषण जी, साफ तौर पर देखा जाए तो इस बार वसुंधरा राजे को इस बार एक मुख्य चेहरा नहीं, बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस बार चुनाव की तैयारी। देखिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा चेहरा होता है, हर कार्यकर्ता कमल के निशान के लिए, कोई हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ाई करता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता कमल के निशान के लिए लड़ाई करता है, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का निशान है, और उसी को मानते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने योजनाओं को लागू किया है, गरीब लोगों के लिए कार्य किया है, महिलाओं के लिए कार्य किया है, वो दिखाई देता है। आयुष्मान योजना ये गिना रहे थे गहलोत जी ने, ये इस तरह की, तो किसी तरह से गहलोत जी माननीय मोदी जी को ही कॉपी करके अपनी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं,
कि गहलोत जी के पास उस तरह का विजन नहीं है, उस तरह की ऊर्जा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के कहीं अलग बगल भी अटक फटक सके। इसलिए आने वाले दिनों में राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से जान गई है ये लड़ाई झगड़े की सरकार है। आदित्य जी, आदित्य जी अगर बात करें, आदित्य जी अगर बात की जाए कांग्रेस की, क्योंकि अगर सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के खिलाफ चिट्ठी लिखकर भी अशोक गहलोत को अवगत कराया था, लेकिन आखिरकार इतनी देर क्यों होती है, क्यों पार्टी की बातें नहीं सुनी जाती है? देखिए, जो चीज न्यायालय में विचाराधीन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेस के भी तमाम नेताओं के ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाया करती थी, मोदी जी के 8 साल की सरकार बीत गई पर क्या कोई कार्रवाई हुई किसी के ऊपर? जब भी चुनाव आता है तो ये उसको शुरू कर देते हैं आवाज उठाना उसके लिए। तो ये जो मामला कहीं विचाराधीन है उस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने एक SIT एक टीम का गठन किया है जो जीरो टॉलरेंस पर की नीति पर काम कर रही है। और अभी हमारे साथी चंद्रभूषण जी कह रहे थे कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, लड़ाई झगड़ा वही होता है जहां लोकतंत्र होता है, शायद इस चीज की इनको जानकारी नहीं है। जहां तानाशाही होती है कि आका बोल देंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो जाएगा, जेपी नड्डा की आ जाएंगे बोल देंगे, आरएसएस का कोई लिख के आ जाएगा वो जाएगा, ये होता है जहां लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र जहां पर होता है, चार परिवार जहां होता है, वहां अपनी बात सबको रखने का अधिकार होता है। तो सचिन पायलट जी हमेशा लगातार अगर 5 साल, लेकिन बात नहीं सुनी गई ना त्रिपाठी जी, बात नहीं सुनी गई, बात नहीं सुनी गई, उसी के बाद तो अनशन शुरू हुआ ना। बात अगर सुनी जाती, परिवार में हर कोई जायज मांगी करे ना, उसने गलत किया था। अगर आरोप लगे हैं उसके खिलाफ ही तो उन्होंने आवाज उठाई है ना, जो आरोप लगाए हैं। आखिरकार अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए ना। हम जनता के बीच किस तरीके से जाएंगे, क्या चेहरा लेके जाएंगे हम जनता के बीच, सवाल ये उठता है। देखिए, सबको पता है कि पावर ऑफ स्ट्रगल पर पावर है। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए लगातार वो अशोक गहलोत जी की सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो यानी कि आप भी मानते हैं कि दोनों के बीच में जो तनातनी है वो कुर्सी को लेकर तनातनी है। बिल्कुल, ये पूरा देश जान रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सचिन पायलट जी खुल के बोल नहीं रहे तो देश को नहीं पता है। कुर्सी का खेल चल रहा है, ये स्ट्रगल, ये पावर के लिए स्ट्रगल है। और पार्टी ने एक गाइडलाइन दे रखी है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हमारे यहाँ विधान दल के जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। अशोक गहलोत को वहां के विधायकों ने मुख्यमंत्री बनाया है। सचिन पायलट जी से भी कहा गया था कि आप भी विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, वो नहीं बन पाए। तो ये जो भी है, चुनाव बाद जिसके ज्यादा विधायक होंगे वो बनेगा मुख्यमंत्री, जिसको विधायक चाहेंगे। जनता विधायक चुनती है और मुख्यमंत्री को चुनते हैं विधायक लोग। तो ये तो एक लोकतंत्र का नियम है, वो हमारे यहाँ फॉलो होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आका का आदेश आता है और किसी को हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, त्रिपाठी जी वहां एक संगठन के साथ में नेतृत्व तो है, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। बिल्कुल, तो ये जिस तरह से मैंडेट का खिलाफत करके मुख्यमंत्री बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में होता है। हमारे यहाँ बीजेपी के आदित्य जी मेरा सवाल तो सुनिए, एक नेतृत्व होता है हर पार्टी का, उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो क्या यहां पर जिस तरीके से गांधी परिवार की मैं बात करूं, जगह जगह की अगर हम बात करें, इससे पहले भी अशोक गहलोत ने भी इस चीज को लेकर बगावत की थी और अब एक बार फिर से सचिन पायलट आ गए हैं, तो क्या पार्टी के जो शीर्ष हैं, क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता है पार्टी के नेताओं को बनाए रखने का? या फिर मैं ये कहूं कि कांग्रेस अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, उसमें कोई ऐसा शीर्ष नेता नहीं है जो पार्टी को पूरी तरीके से कमान को उसको संभाल सके, कहां कमी है कांग्रेस में? देखिए, शीर्ष नेतृत्व हमारा जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंतर आप देख रहे कर्नाटक में वो लगातार मेहनत किए, चुनाव होने वाले हैं जहां जहां वहां लगातार कांग्रेस पार्टी एक अच्छा आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्राफ कांग्रेस का बढ़ रहा है, तो उसको लेकर बैठ के जारी है। कहीं देखिए, राजस्थान का मामला हो, छत्तीसगढ़ का मामला हो, मन में भेद हो सकता है, पर जिस तरह से हम सबका विजन सरकार बनाने का है उसके लिए हम काम करेंगे और हम जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे जो हमने काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, हमने वहां बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो। किस हिसाब से आप कहते हैं कि जनता के बीच हम जाएंगे? एक तरफ पार्टी में सचिन पायलट तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, कि हम किस तरीके से जनता के बीच जाएं, क्या करनी क्या कथनी में अंतर हम बताएंगे, और आप कहते हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे, हम चुनाव जीतेंगे, कैसे?
वही तो मैं बता रहा हूँ कि जनता को जो हमने वादा किया था वो हमने 100% डिलीवर किया है। हमने कहा था पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन आपने किसानों को, आपने किसानों के मुद्दे पर बात की थी, नहीं हुआ। ये तमाम मुद्दे उठाए हैं ना उन्होंने, माफ किया है वहाँ पर, तमाम मुद्दे उठाए हैं ना उन्होंने, कर्जा माफ वहाँ किया है। चंद्रभूषण जी क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में हमने सारे वादे पूरे किए हैं, एक तरफ पार्टी में पूरी तरीके से दरार दिखती नजर आ रही है, क्या गांधी परिवार का अस्तित्व कैसा लगता है आपको, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस गांधी परिवार से ही जानी जाती थी। ये कांग्रेस पार्टी ड्रीम इलेवन बन गई है। क्या बन गई है? ड्रीम इलेवन, जिसके चार कप्तान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जिस टीम के चार कप्तान होंगे तो जिसको अपना मन होता है तब चलाता है कांग्रेस। एक ने कहा मैं अभी 3 महीने चलाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं 3 महीने चलाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं 3 महीने चलाऊंगा। तो कांग्रेस की हालत इस समय एक ऐसे मैच की तरह हो गई है कि आपस में ये लोग खेल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जिस प्रकार से यात्रा लेकर चलते हैं, जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जिस टुकड़े टुकड़े गैंग से मिलते हैं, जिस प्रकार की बातचीत करते हैं, उनको राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इज्जत करनी नहीं आती। तो ये कांग्रेस पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, आपको बता दें, इसको कोई नहीं संभाल सकता। आपने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने कहा सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है। अरे विकास के लिए लड़ाई की जाती है, सत्ता पाने के लिए लड़ाई नहीं की जाती। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सत्ता कैसे भी प्राप्त की हो, सत्ता केवल प्राप्त करने के लिए काम किया है। हमारे यहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, जनता के विकास के लिए कार्य करने के लिए सत्ता प्राप्त की जाती है, सरकार बनाई जाती है। लेकिन यहाँ क्या लड़ाई इन्होंने कुछ स्वीकार किया कि हमारे यहाँ लड़ाई चल रही है, तो जो लड़ाई चल रही है इसको जनता उठाकर फेंक देगी, इन दोनों लोगों को राजस्थान से बाहर निकाल के फेंक देगी। और कांग्रेस का हाल मुश्किल क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि किस तरह कांग्रेस में है, कोई लोकतंत्र नहीं है। कोई आदमी सोनिया के पास जिसके पास पहुंचा तो सोनिया का करीबी, चंद्रभूषण जी आपने कांग्रेस पर तो आरोप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात मैं बीजेपी की करूं तो वसुंधरा राजे और इसी के साथ में सतीश पूनिया के बीच की दरारें भी तो जनता ने देखी हैं। देखिए हमने हमने अपना अभी सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया, सब सम्मत से सब स्वीकार करते हुए हमारे पार्टी का लोकतंत्र बहुत ही सुंदर रूप से कार्य करता। मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है और उसी के अनुसार पार्टी चलती है। हमारे यहाँ किसी परिवार की पार्टी नहीं चलती, हम परिवारवादी लोग नहीं है। हमारे यहाँ कोई स्वयंभू नहीं होता, ठीक है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है और कार्यकर्ता के दिए हुए वोट के बल पर हम सरकार बनाते हैं और कार्यकर्ता ही हमारा मुख्यमंत्री बनता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि राजस्थान में जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पीछे भागने वाली पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं। आदित्य जी क्या कहेंगे, बीजेपी का साफ तौर पर आप पर आरोप है कि हम सत्ता के लिए जनता के बीच जाते हैं। अगर बात करें कुर्सी के लिए लड़ाई हमारे बीच नहीं होती, कुर्सी के लिए लड़ाई होती है तो वो घर की बात घर के अंदर रहती है, कांग्रेस में ऐसा क्या है जो घर की बात सड़क पर आ जाती है? देखिए अभी हमारे साथी ने बोला लोकतंत्र पे कांग्रेस पे बड़ा हमला किया है, ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा जेपी अड्डा जी को नियुक्त किया गया कि कोई चुनाव हुआ था? इनके यहाँ कैसा लोकतंत्र है कि इनके यहाँ चुनाव नहीं होता? आज तक चुनाव नहीं हुए कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को चयन करने के लिए। हमारे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव जीत कर आए हैं। तो लोकतंत्र वो पार्टी ना बताए जिसके यहाँ कोई लोकतंत्र का कोई पैमाना नहीं है, आका जो बोल देते हैं वो मान लिया जाता है। तो लगातार लोकतंत्र की अगर आप बात कर रहे थे और आपने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद ही हार जा रही है और कांग्रेस पार्टी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया ये वो, तो लगातार आप देख लीजिए अगर विकास का कार्य ना हुआ होता तो ये विकास के विरोध में प्रचार करके जनता के बीच जाते। ये कांग्रेस के अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में इनको इतना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? ये क्यों नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचारी आप दिला रहे हैं ना जिसको जनता ने हरा अगर घर की लड़ाई सड़क पर आएगी तो दूसरे तो इंटरेस्ट लेंगे ना, पावर की लड़ाई लड़ रहे हैं वसुंधरा राजे से। आदित्य जी फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से आप कांग्रेस को लेकर बताना चाहेंगे कि आखिरकार अब कांग्रेस किस तरीके से आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि आज दिल्ली में बैठक होने वाली है।
देखिए कांग्रेस ने वहां काम किया है राजस्थान में, और हम काम के बदौलत जनता के बीच जाएंगे, फिर जनता का जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार होगा, जनता जिसको मुख्यमंत्री देखना चाहेगी वो मुख्यमंत्री होगा। चंद्रभूषण जी, आप किस तरीके से, बीजेपी किस तरीके से राजस्थान जाएगी और किस तरीके से इस मामले से निपटेगी? देखिए हम विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान विचारों को और उनकी सोच को आगे ले जाते हुए, सबके विकास और सबके साथ, सबके विश्वास की बात और सबके प्रयास की बात करते हुए हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी और बीजेपी नेता चंद्रभूषण हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जिस तरीके की तनातनी है इस समय पर, उस वो सबके सामने जाहिर है। अब इस समय पर सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के आलाकमान इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्या इस बार बाकी नेताओं की तरह सचिन पायलट भी क्या अब कांग्रेस के खेमे से अलग हो जाएंगे, क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब शायद अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया, नमस्कार।